सन 2000 में हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड पॉजिटिव हैं और मैं भी पॉजिटिव हूँ। पता चलने के बाद उस वक्त तो मेरी हालत ऐसी थी कि मानो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। मेरे हस्बैंड फिर भी नेगेटिव सोचते थे कि अभी मुझे इन्फेक्शन हो गया है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको फिर भी मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हमारी बहुत जिंदगी है। उनके जाने के बाद किसी ने झांकना तक पसंद नहीं किया कि हम माँ बेटे जी रहे हैं या मर रहे हैं। ठंडे दिमाग से मैंने इस चीज़ को सोचा और रियलाइज़ किया कि जितने दिन हमें भगवान ने दिए हैं, जितने पल हमें ईश्वर ने दिए हैं, उन पलों को हम पूरी खुशी के साथ जिए। पूरे दिन के 12 घंटे होते हैं, उसमें से मैं 8 से 10 घंटे अपने नेटवर्क के लोगों के साथ बिताती हूँ। जो लोग राजस्थान में HIV के साथ जी रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए जितने भी काम चल रहे हैं हमारे नेटवर्क में, उसमें मैं अपने आप को इतना मशगूल रखती हूँ कि मुझे अकेले रहने की फुर्सत नहीं मिलती। दिमाग में यही घूमता रहता है कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि राजस्थान में जो महिलाएं और बच्चे HIV के साथ जी रहे हैं, उनके साथ हो रहे भेदभाव में कमी आ सके। उसके लिए हम क्या से क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैं करने का कोशिश करती हूँ। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से चुने हुए लोगों को उन्होंने एज अ मास्टर ट्रेनर इन्वाइट किया है ट्रेनिंग कोच में ट्रेनिंग देने के लिए। सभी सेशन में बहुत अच्छा रश था और लोग इतना उमड़ कर आ रहे थे कि मतलब ट्रेनिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लोगों में उत्सुकता है जानने की कि वास्तव में HIV एड्स में अभी तक भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम है और वो जानना चाहिए। इसलिए असुरक्षित यौन संबंध ना बनाया जाए, रक्त लेने से पहले उसकी जाँच वगैरह करवा लें और संक्रमित सुई का प्रयोग ना करें। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इस ट्रेन से वास्तव में बहुत जागरूकता आएगी लोगों में और लोग समझ पाएंगे कि HIV पॉजिटिव होने के बाद भी एक अच्छी ज़िंदगी है। अब वो समय आ गया है कि जन जन तक HIV एड्स की सही जानकारी होगी और एक एक जन उसके लिए जागरूक होगा। मैं ईश्वर को यही धन्यवाद करती हूँ कि हे प्रभु, तेरा शुक्राना है कि तूने मेरे को आज का दिन दिखाया और आज का दिन ऐसा निकालना कि मैं अपने ज़िंदगी का उद्देश्य पूरा कर सकूँ, कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए मिली है।